सभी को राम राम। आज जो संडे है और मैं आप लोगों के लिए वापस से लेके आया हूँ पिछले हफ्ते की मसालेदार, धमाकेदार या फिर बोरियत भरी ऑटोमोबाइल न्यूज़, जैसे भी होगी वैसी बताऊंगा। लेकिन न्यूज़ बताने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पर फर्स्ट कमेंट अवार्ड नाम का जैसा कुछ चलता है। पिछले महीने का जो विनर था उसका नाम मैं अनाउंस नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा था। ये महीना लगभग निकल चुका है तो सोच रहा हूँ कि पिछले महीने का और इस महीने के दोनों विनर्स का नाम एक साथ इस महीने के लास्ट डे अनाउंस कर दूँ। कई सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद इस बार प्राइज़ नहीं मिला तो शायद ये ऐसा तो नहीं है कि ये अवार्ड बंद हो गया है तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत करो बॉस, जितने भी वीडियोज़ डल रहे हैं उनमें सबसे पहले कमेंट करने की कोशिश करो, हो सकता है आप विनर बन जाएँ और 5,000 रुपये जीत लें। 5,000 से ज़्यादा आया कि अमेज़ॉन की डिलीवरी इस समय काफ़ी सारे स्टेट्स में बंद हैं, तो आप लोग अगर 5,000 रुपये का प्राइज़ मनी डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में मंगवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि अमेज़ॉन डिलीवर नहीं कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं और मेन बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कि न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सुजुकी जिमनी जो पिछले लगभग 4,000 करोड़ सालों से लॉन्च होने की कोशिश कर रही है लेकिन लॉन्च नहीं हो पा रही, अभी भी हमें एक इस गाड़ी के बारे में तरोताज़ा खबर मिली है, वो ये कि इसका जो 5-डोर वर्जन है वो अगले साल ग्लोबली रिवील किया जाएगा। इसके अलावा इसका जो 3-डोर वर्जन है वो इंडिया में ही बनाया जा रहा है और एक्सपोर्ट किया जा रहा है लेकिन इंडिया में लॉन्च नहीं किया जा रहा। ग्लोबल मार्केट में इसके 3-डोर वर्जन के फेसलिफ्ट लॉन्च करने की तैयारी भी हो गई है। वैसे तो इस साल के अक्टूबर में टोक्यो मोटर शो होने वाला था जिसमें इसका 5-डोर वर्जन और 3-डोर वर्जन का फेसलिफ्टेड वर्जन दोनों ही रिवील होने वाले थे, लेकिन ग्लोबल पेंडेमिक हो गया, कोरोना आ गया, तो भाई मोटर शो है वो कैंसिल हो गया और उसका जो रिवील था वो डिले कर दिया गया अगले साल के लिए। तो अगले साल तक एक साल और इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोगों को जिमनी को अपने आंखों के सामने देखने के लिए। इसके अलावा एक और इसकी खबर है, वो ये है कि भाई ग्लोबल मार्केट में है, इसमें टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है लेकिन ग्लोबल मार्केट में, वो इंडिया में नहीं आएगी। इंडिया में आपको भाई 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा जो सियाज में, अर्टिगा में, बाकी सब में मिलता है। तो एक साल तो इंतज़ार करना है आपको, चाहे आप थार खरीदने जाओ तब भी एक साल की वेटिंग है, या फिर आप इसका वेट कर रहे हो लॉन्च होने का, तब भी एक साल आपको इंतजार करना ही है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि टोयोटा लैंड क्रूजर LC 300 की इमेजेस को रिवील तो नहीं कहेंगे, स्पाई किया गया, देखा गया था टेस्ट करते हुए। इस महीने के आखिर तक ये गाड़ी ऑफिशियली रिवील होने वाली है। इसमें एक नया GR स्पोर्ट वेरिएंट ऐड किया जाएगा जिसमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी स्टैंडर्ड वेरिएंट के कंपैरिजन में। इसके अलावा इसमें फुली लोडेड फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर उनमें से कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट बेस्ड इंजन स्टार्ट टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, मतलब आप फिंगर लगाइए और गाड़ी चालू, चाबी का रट्टे खत्म। इसके अलावा इसमें 4-जोन क्लाइमेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी मिला करेगी, 20-इंच के बड़े बड़े व्हील्स मिला करेंगे, अंडर बॉडी कैमरा मिलेगा, गाड़ी के नीचे कैमरा होगा ताकि ऑफ रोडिंग करते समय आप देख सकें कि नीचे है क्या, कोई पत्थर तो नहीं अट रहा। इसके अलावा सेफ्टी में ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम जैसा मोस्ट एडवांस्ड सेफ्टी फीचर मिला करेगा। इंडिया की अगर बात करें तो ये गाड़ी शायद ही आए क्योंकि BS6 नॉर्म्स की वजह से LC 200 जो थी उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब LC 300 इंडिया आएगी नहीं आएगी ये कहना काफ़ी मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। तो लैम्बोर्गिनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में उतरने वाला है लेकिन 2030 तक ये अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कार लॉन्च करेंगे जो कि एक 2-डोर GT होगी। स्कोडा ऑक्टाविया जो जल्दी लॉन्च होने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से डिले हो गया, अब ये जून में लॉन्च होगी। इसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा जो लगभग 190 BHP की पावर जनरेट करेगा। इसके अलावा स्कोडा वाले इसी साल 2 गाड़ियां और लॉन्च करने वाले हैं, एक है कुशैक और दूसरी कोडियक पेट्रोल। एंड्रॉयड 11 इस समय चल रहा है लेकिन जल्दी ही एंड्रॉयड 12 आने वाला है और इसमें जो खास फीचर होगा वो ये कि मोबाइल से ही आप अपनी गाड़ी को लॉक, अनलॉक या स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड हो सकते हैं। ये फीचर आपको यूज़ करने के लिए आपके पास गूगल का पिक्सल फ़ोन या फिर गैलेक्सी स्मार्टफोन होना चाहिए। इसके अलावा ये फीचर मार्केट में सबसे पहले BMW की गाड़ियों में देखने को आपको मिलने वाला है। तो कुछ ना कुछ लोग बाग करने की कोशिश करते रहते हैं। आगे बढ़ें तो सिट्रन जिसने अभी हाल ही में अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करी है, अब वो दूसरी SUV जिसका नाम होगा C3 इंडिया में लॉन्च करने वाला है
और उसकी डिज़ाइन की इमेजेस कुछ लीक हुई हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सिट्रन का पहला मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिला करेगा, डीजल इंजन इसमें नहीं मिलने वाला। ओपेल मांटा GSE इलेक्ट्रो मोड वन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिवील कर दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर जो मिलती है वो 147 BHP की पावर जनरेट करती है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। 31 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जिसमें सिर्फ 200 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। यार इस ज़माने में आप इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहे हो, वो भी इतनी अच्छी रेट्रो स्टाइलिंग में, उसमें 200 किलोमीटर की रेंज, बस आप 200 बोल रहे हो, वो गाड़ी लगभग 125 चलेगी। या टू व्हीलर्स में तक 100 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है, आप 200 की क्लेम कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बोर हो रहे थे तो कुछ भी बना दिया। अबार्थ 1000 SP वन ऑफ कंसेप्ट को रिवील कर दिया गया है। ये 1960s की अबार्थ 1000 SP रेस कार का री इंटरप्रिटेशन है। इसमें 1.7 लीटर फोर सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 243 BHP की पावर जनरेट करता है। हुंडई अल्काज़ार 7 सीटर क्रेटा जो जल्दी लॉन्च होने वाली थी लेकिन कोरोना आ गया, उसने डिले कर दिया। अब जून में ये गाड़ी लॉन्च होगी, हालांकि मुझे लग रहा है कि जून में भी नहीं होगी। इसमें 2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिला करेगा। महिंद्रा थार, इस गाड़ी की डिज़ाइन किससे मिलती जुलती है ये सब लोग जानते हैं। ये जैसे ही लॉन्च हुई थी उसके एक घंटे में सब लोग जान गए थे कि ये किस गाड़ी से इसकी डिज़ाइन इंस्पायर्ड है या कॉपी है या जो भी XYZ। इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन महिंद्रा वाले थार को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करने वाले थे और ये बात जीप वालों को पता पड़ गई, क्योंकि महिंद्रा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर थार को डाला और थार की एक यूनिट को ऑस्ट्रेलिया में इंपोर्ट भी किया वहाँ की सड़कों पर टेस्ट करने के लिए। ये खबर भी जीप वालों को पता पड़ गई और जीप जिस ब्रांड की है, मतलब कि स्टेलांटिस, वो तुरंत की तुरंत ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट चला गया ये क्लेम करने के लिए। एक तो उनने गाड़ी चुरा ली हमारी और दूसरा हमारी जगह आके गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब लॉन्च कर रहे हैं। तो उन्होंने कोर्ट केस लगा दिया। अब महिंद्रा वालों ने बोला कि हम लॉन्च नहीं करने वाले, वो बैकफुट पे आ गए हैं। तो ये मामला है। तो थार अब फाइनली ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च नहीं होगी, इंडिया में जो है वही चलेगी। यार इंडिया की ज़रूरत ही पूरी कर लो यार महिंद्रा वालों, 10-10 महीने की वेटिंग दे रहे हो। किया कार्निवल, इंडिया में जो कार्निवल है वो थर्ड जनरेशन है, जबकि ग्लोबली फोर्थ जनरेशन किया कार्निवल बिक्री में चल रही है। और इसी फोर्थ जनरेशन कार्निवल का ऑस्ट्रेलियन NCAP ने क्रैश टेस्ट किया, जिसमें इसने 5 out of 5 स्टार्स का बेहतरीन टेस्ट रेट स्कोर किया है। आगे बढ़ते हैं तो टोयोटा वालों की वही पुरानी घिसी पिटी कहानी, मारुति की सियाज उठाकर अपना बैज लगाकर उसका नाम बेल्टा रखने वाले हैं और लोगों को वापस से एक और बार बेवकूफ़ बनाने वाले हैं और लोग खरीदेंगे भी ये सोचकर, हाँ हाँ टोयोटा की नया गाड़ी। ये गाड़ी टोयोटा की यारिस को रिप्लेस करने वाली है, क्योंकि यारिस अपनी सेगमेंट में कुछ कमाल कर नहीं पा रही, तो मारुति की गाड़ी ले ली उसी सेगमेंट में और अपना बैज लगा दिया। पता नहीं चल क्या रहा इन दोनों के बीच में। आगे बढ़ते हैं तो फोर्ड F-150 लाइटनिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल पिकअप ट्रक को रिवील कर दिया गया है। मतलब पिकअप ट्रक भी इलेक्ट्रिक होने लगे हैं, बहुत क्या जमाना आ गया। लेकिन ये पिकअप ट्रक काफ़ी सुंदर बनाया गया है देखने में। इसमें दो तरह के इलेक्ट्रिक मोटर ऑप्शंस मिलते हैं। एक है 318 किलोवाट की मोटर जो फ्रंट और रियर दोनों जगह है और दोनों मिलकर 426 BHP की पावर जनरेट करते हैं। इसमें 370 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है। दूसरी मोटर है 420 किलोवाट की जो 563 BHP की पावर जनरेट करती है और 483 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है। इन दोनों ही मोटर में टॉर्क सेम है 1051 Nm का। टाटा मोटर्स को एक काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है 300 नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिलीवर करने का कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। लेकिन उनकी शर्त यह है कि उसमें मिनिमम रेंज जो है वो 250 किलोमीटर रियल लाइफ में होनी चाहिए और 3 साल की उन्हें वारंटी भी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इस गाड़ी के साथ नॉर्मली 312 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है, लेकिन रियल लाइफ में ये 200-225 से ज़्यादा नहीं दे पाती। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि हमें 250 किलोमीटर तो चाहिए ही चाहिए। जेनेसिस G70 शूटिंग ब्रेक को रिवील कर दिया गया है। जेनेसिस हुंडई वालों की ही प्रीमियम ब्रांड है जो सिर्फ प्रीमियम गाड़ियों को बनाती है। ये कंपनी इंडिया आने वाली है, हाल फिलहाल इंडियन मार्केट का अवलोकन कर रही है कि हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, देखते हैं कब तक कर पाती है। निसान माइक्रा जो इंडिया में पहले थी उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बिक्री नहीं होती थी। उसका ग्लोबल मार्केट में एक काफ़ी तगड़ा फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। इंडिया में ये फेसलिफ्ट नहीं आने वाला, क्योंकि हर किसी का ध्यान सिर्फ SUVs के ऊपर है। निसान वाले भी अब सिर्फ SUV लॉन्च करेंगे, फेसलिफ्ट सेडान गए चूल्हे में।
आगे बढ़ते हैं तो MV Agusta Rush को अनवील कर दिया गया है। इसकी ग्लोबल मार्केट में सिर्फ 300 यूनिट्स बनाई और बेची जाएंगी। इसमें 998 सीसी का फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 208 bhp की पावर जनरेट करता है। इसकी टॉप स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर। 34 लाख रुपए की इंडियन करेंसी के हिसाब से ये ग्लोबल मार्केट में मिलती है। भाई अच्छा ये मत लॉन्च करो, कौन खरीदेगा इसको 34 लाख रुपए में, और इंडिया आते आते तो 50 की हो जाएगी। ये गोबोरा जो कि एक ताइवानीज इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर कंपनी है, इसने अपनी हीरो मोटो को आपके साथ हाथ मिला लिया है और दोनों मिलकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च करने वाले हैं। गोबोरा ने वीवा नाम के इलेक्ट्रिक स्कूटर को रजिस्टर किया है इंडियन मार्केट में, तो जाहिर सी बात है कि लॉन्च करने का इनका प्लान होगा। इस स्कूटर की शक्ल काफ़ी बोरिंग सी लग रही है मेरे को, पर्सनल मेरी सोच है, बाकी हो सकता है आपको बहुत एक्साइटिंग लग रही हो। इसमें 3 kWh की मोटर दी गई है और सिर्फ 85 किलोमीटर की रेंज है। BS6 डुकाटी हाइपर मोटोरेट 950 को रिवील कर दिया गया है। ये अगले साल इंडिया में लॉन्च होगी। इसमें 937 सीसी का इंजन मिलता है जो 114 bhp की पावर जनरेट करता है और 98 Nm का टॉर्क। रॉयल एनफील्ड मेटेर, बुलेट और क्लासिक 350, इन तीनों मॉडल्स को रिकॉल किया गया है ग्लोबली। ग्लोबली से मेरा मतलब है कि इसकी लगभग 236,966 यूनिट्स को रिकॉल किया गया है इंडिया में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इन सब जगहों पर जो जितनी भी गाड़ियाँ बेची हैं इन लोगों ने, वो सबको वापस से बुलाया गया है। कुछ वायरिंग को लेकर इशू है। यामाहा YZF R7 को ऑफिशियली अनवील कर दिया गया है। इसमें 689 सीसी का लिक्विड कूल्ड इनलाइन ट्विन इंजन मिलता है जो 73.4 bhp की पावर जनरेट करता है और 67 Nm का टॉर्क। ये इंडिया में नहीं आने वाली। ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 1200 और स्ट्रीट स्क्रैम्बलर 900 के स्पेशल एडिशंस को लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में। जो स्क्रैम्बलर 1200 है वो 13.75 लाख रुपीज़ की मिलती है, आप चाहो तो बुक करा सकते हो। ये 90 bhp पावरफुल है और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। और जो स्क्रैम्बलर 900 है उसकी ग्लोबली सिर्फ 775 यूनिट्स बनाई गई हैं, जिनमें से सिर्फ 25 यूनिट्स इंडिया आएंगी। ये आपको 9.65 लाख रुपीज़ की मिल जाया करेगी। ये बड़ा अच्छा स्ट्रेटजी रहती है इन कंपनीज़ की। किसी गाड़ी की अगर लिमिटेड यूनिट्स आप बनाएंगे तो वो तुरंत बिक भी जाती हैं और ज़्यादा पैसों में बिक जाती हैं, क्योंकि लोग बाग एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जो कॉमन ना हो, हर किसी के पास ना हो। तो ये काफ़ी अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी होती है कमाने की। तो न्यूज़ तो बस इतनी ही थी इस हफ्ते। अगले हफ्ते देखते हैं क्या कुछ नया मटेरियल आता है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।